ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 5। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्म से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है पाठ बजाने के लिए, तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं। यहाँ से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे, लेकिन यह इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकेंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है, बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागरूक होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले, और फिर तीसरे हैं 16108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी है, घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर होते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1974। अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई है, और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की है। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी है, और साथ साथ सिर पर बोझा का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उन्होंने भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है, तो सर्वशक्तियाँ स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है, और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सबने तन मन और धन जो दे दिया है, तो वह आपका है क्या? जो अर्पण किया है वह बाप का हो गया ना। बाप ने फिर वह विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, जो करेगा वह पावेगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो एक का 100 गुना दे देते हैं, हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है
4 जुलाई 1974। जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्तनशीन होते हैं। दूसरा बाप के दिल तख्तनशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1974। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आवेगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, अन्न की कमी या धन की? तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आवेगा, साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से वस्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति दे दे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके और कोई हमें शांति दे दे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एकादा बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी, अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना? क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेख रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त है तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वह सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से काटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा किया होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनावेगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 सितंबर 1974। अपनी जन्म पत्री को देखना चाहिए कि आदि से लेकर अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है। जिनको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हैं आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना? मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा, यह लॉटरी मिली हुई है। 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाए तो मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा हुई ना? कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से
मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से, लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा, यह भी एक हिसाब किताब है। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 24 दिसंबर 1974। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है, अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पदमपति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है, परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस जमा कितना होता है और माइनस घाटा कितना होता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो, विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो, अभी अभी कमाई अभी अभी गवाई, यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एकरस कमाई है, जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है, अर्थात खाता क्लियर स्पष्ट है, तो जिस समय भी चाहे एक सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के, अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। ये स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते, यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 फरवरी 1975। जैसे कल्प पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है, इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवा अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी को भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो, ऐसे मध्य में बाप ने, ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं के प्रति लगाने का अनुभव भी कराया है। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी, स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं, साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना,
स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए ऐसे त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 10 फरवरी 1975। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल है, हर बात में हम सैंपल है। जब ऐसा लक्ष्य आगे रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त है परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद न होना अर्थात अलबेला ना होना है। आराम के साधनों का एडवांटेज सदाकाल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना, यह अटेंशन रखना है। अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहाँ कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही अप्राप्ति, उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई न कि त्याग। इतना टेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा सहज योग का यह अर्थ समझते हो कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है, हर बात में अटेंशन रहे, रिटर्न देना अर्थात आगे के लिए कट करना, खत्म करना, माइनस हो रहा है अथवा प्लस हो रहा है यह चेक करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 फरवरी 1975। जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुई रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचा तान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया के गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी, जहां जाएगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है। ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नज़र नहीं आएगा कि क्या करे। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्या से न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अगस्त 1975। पांडवों का विशेष ब्रह्मा बाप की हम जींस के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय
बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो, तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध-बुध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर वन लेना चाहिए। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 1 सितंबर 1975। लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकेंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी, तब तो 8 रत्न निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे, अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है, वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा। यह तो एवरेज बताया जाता है, लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और एक ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 सितंबर 1975। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियाँ, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ यह समझकर अंदर समा न लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रख न लो। सिर्फ बैंक बैलेंस न बनाते जाओ या कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरिया बांधकर अंदर रख न दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ, क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन न खुटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे, व जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना, तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। तो अब अपने ऊपर रहम करके, प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 सितंबर 1975। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के आत्माओं के मत प्रमाण व स्वयं के मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो? यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हो? संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते, इसलिए भक्ति में श्वासोश्वास सुमिरन का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो, जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में
बाप दादा से पहला वादा क्या किया? याद है वह भूल गए हो? बाप के आगे पहला वायदा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया, इसको ही कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो। सभी सर्वस्व त्यागी हो व त्यागी, सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है, इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है व कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं हैं। सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मापदम भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो ना, शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो ना, बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले होना मुश्किल तो नहीं लगता है? मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जीवन का धर्म और कर्म ही यह है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 अक्टूबर 1975। जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, न चाहते हुए भी हो गया। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन से करते हो? शूद्रपन के स्वभाव संस्कार व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो, जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है। तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना है। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन और धन सब तेरा, फिर मैं मन में मोहवश होकर चलते हो? तो मैं पंडाया या मेरा समझना यह भी झूठ हुआ ना? कहना तेरा और करना मेरा झूठ हुआ ना? वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो,
बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, अगर वह नहीं निभाते तो यह भी झूठ हुआ। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन से करते हो? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो? यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो, कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरे को धोखा देते हो। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है व ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो, ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वह कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे व माला सुमिरन कर रहे थे। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अक्टूबर 1975। टीचर्स स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन बंधन नहीं लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मोट कहलाएंगी। अनुभवी मोट की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी है, तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता आधा दूसरे का हो जाता है, जैसे कमाई का शेयर होता है तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते हैं वह फूल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊंगा। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना या इंतज़ार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है, तो जो आधार मूर्त है वह किसका आधार नहीं लेते। यह भी लॉटरी नहीं गवाना। स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1975। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियाँ इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है।
जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह पांचवी मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से चार पांच बार यह हो गया, आगे नहीं करूँगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानी कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाए। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूँ, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती, ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1975। ओम शांति।